आज हमने 2000 रुपए का लंच किया मास्टर शेफ शो के गेस्ट जज और इंडिया के नंबर वन रेस्टोरेंट इंडियन एक्सेंट के फाउंडिंग शेफ मनीष मल्होत्रा के रेस्टोरेंट कुमरिन में। चाहे शेफ मनीष मेहरोत्रा इंटरनेट पर बहुत बड़ी या जानी मानी हस्ती ना हो, पर फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग इनसे और इनके नाम से काफी हद तक वाकिफ है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना इनके इस फैंसी और लग्जूरियस गुड़गांव वाले रेस्टोरेंट कुमरिन में जाकर इनके टेस्ट को जज किया जाए। वैसे यहाँ हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम के कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर से भी हुई। कौन कौन इन सबका नाम जानता है, सही सही उसे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताना। मतलब भाई बड़े बड़े लोग भी इधर आ रहे हैं खाना खाने, तो समझ रहे हो इनकी बातचीत। भाई मुझ पर पहला इम्प्रेशन तो इन्होंने अपनी लोकेशन से डाल दिया, क्योंकि एक बार देखो कि गुड़गांव में कितनी सुंदर जगह पर इनका ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। दूसरा, ये रेस्टोरेंट अंदर से इतना आलिशान और इतना फैंटास्टिक था कि आपको तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि आज हमारे फेवरेट 5-स्टार होटल जितना बड़ा फटका हमें यहाँ पड़ने वाला है। बस वैसा खाना ना निकले तो बढ़िया है। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े है भाई? विश्वास मानो, मैं पहली बार किसी ऐसे रेस्टोरेंट में आया था जहाँ के अवार्ड्स गिन गिन कर मैं खुद थक चुका था। मतलब जोमैटो रेस्टोरेंट्स अवार्ड, आइकन्स ऑफ विस्की अवार्ड, हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड का बेस्ट रेस्टोरेंट अवार्ड और ना जाने कितने अवार्ड इनके नाम थे। भाई इतने अवार्ड देखकर तो मेरी उम्मीदें इनके रेस्टोरेंट से आसमान छूती जा रही थी। लेकिन उन्हें जमीन पर आने में भी टाइम नहीं लगा जब मैंने इनके मेन्यू में 84,000 रुपए की 32 साल पुरानी ये ड्रिंक देखी। 32 साल पुरानी दारू मिल रही है 84,000 रुपए की। दिलवा दो मुझे भी। अबे आरसी की शक्ल है तेरी 32 साल पुरानी दारू पीने की। आपको कैसे पता आरसी दारू का ब्रांड? मैंने पी नहीं कभी आरसी दारू का ब्रांड। हालांकि खाने के प्राइसेस भी एक अच्छे फाइन डाइन जैसे ही थे। फिर हमने इनके स्टाफ से ही पूछ कर अपने लिए कुछ चीजों का ऑर्डर करा, जैसे ये 300 रुपए की कोकोनट लिक्वाडो ड्रिंक, ये 350 रुपए की दही बटाटा पूरी, 600 रुपए का आंध्रा गोंगुरा चिकन, 700 रुपए की ओल्ड फैशन मलाई कोफ्ता विद सेसमी गार्लिक नान। वैसे मेन्यू में 500 रुपए की खिचड़ी भी थी, पर ना यार मेरी हिम्मत तो नहीं थी उसे मंगाने की। लेकिन हमने जो भी मंगाया वो सब कुछ फटाफट हमारे टेबल पर आ गया। पहले आई ये कोकोनट वाली ड्रिंक, जो बेसिकली नारियल का पानी और उसकी मलाई का ब्लेंड है। भाई सिंस मुझे ये दोनों चीजें पसंद है, इसलिए मुझे तो ये बहुत कमाल की लगी। मतलब हमारे घर में भी नारियल पानी आता है, तो हमने कभी इसे बनाने का क्यों नहीं सोचा? वैसे यही तो एक मास्टर शेफ की कलाकारी है। नेक्स्ट टेस्ट करी हमने ये दही बटाटा पूरी, जो वैसे तो ठीक थी, पर इसके अंदर एक हरी चटनी का स्वाद बहुत बुरा था, जो ओवरऑल हमारे टेस्ट को बहुत रुइन कर रहा था। इससे टेस्टी मेरे गली में मिल जाते हैं। हालांकि अगला आया ये आंध्रा चिकन, जो बेहद ही कमाल था टेस्ट में। आई मीन स्पाइसेस फ्लेवर सब कुछ परफेक्शन थे। चिकन वाज सो गुड, सो फ्रेश एंड अंदर से तो वंडरफुली कुक था भाई ये। इन सब के बाद मेन कोर्स में आया ये मलाई कोफ्ता विद सेसमी गार्लिक नान, जो माय गॉड कितना टेस्टी था, मैं क्या बताऊं। मतलब ऑर्गेज्मिक टेस्ट था भाई इसका, ये समझ लो। हमने जितने बाकी शेफ्स के रेस्टोरेंट विजिट करे हैं, कुणाल कपूर वगैरह, उसकी कंपैरिजन में काफी अच्छा। भाई ये खा के तो मुझे कसम से मजा ही आ गया। इनका प्राइस सब कुछ हटा दूं अगर मैं साइड में, तो आराम से 4 out of 5 है। आप आ सकते हो, एक डेट के लिए एंजॉय करोगे, निकलो चलो। थैंक यू। बाकी आप कभी शेफ मनीष मेहरोत्रा के रेस्टोरेंट में आए हो और आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाते जाते ये भी बताना कि आप शेफ मनीष मेहरोत्रा को कैसे जानते हो। बाकी मिलेंगे दोबारा। ठीक है गाइस, बाय बाय।